गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय। तो आज 13 तारीख है, 13 अक्टूबर, और कल मैंने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर आया था लेकिन किसी को लेके नहीं गया, केवल आर्मी वालों को लेके गया था, और कुछ पेशेंट थे 2-3 जो ज़्यादा सीरियस थे उनको लेके गया था। तो आज दूसरा दिन है और 13 तारीख है, और यहाँ हमको फंसे हुए लगभग 8वां दिन है। तो अभी यहाँ फिर से बताया गया कि हेलीकॉप्टर आने वाला है रेस्क्यू के लिए, तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ये पूरा खाली हो चुका है, गुंजी कैंप सब लोग जा चुके हैं वहाँ पर आगे हेलीपैड पर, मैं ही बाकी बचा था। तो अभी मैं चल रहा हूँ आगे, मेरे साथ 1-2 लोग और बचे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी हेलीपैड पर। तो यहाँ का नज़ारा है देखो आप, एकदम खुल गया मौसम, आज बिल्कुल तेज़ धूप है, हालांकि ठंड भी है लेकिन धूप बिल्कुल तेज़ है, सूर्य बिल्कुल साफ दिख रहा है, सूर्य देवता दिख रहे हैं। आज अगर हम चले गए यहाँ से तो इस गुंजी बेस को बहुत याद करेंगे, 7 रातें बिताई है यहाँ पर, 8वां दिन है आज। तो चलते हैं यहाँ से आगे, सब लोग रेडी हैं हेलीपैड के लिए। तो हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, और चल के जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ सारी चली गई आगे, मैं पीछे रह गया था। तो हेलीपैड पर पहुँच गए हैं, सारे यात्री बैठे हैं यहाँ पर, देखो आप। हमारा 2nd राउंड में नंबर आने वाला था लेकिन हमें बोला कि आप भी जाइए, हो सकता है आपको भी साथ में ले ले। वैसे पिथौरागढ़ से अभी टेक ऑफ कर लिया है ऐसा समाचार मिला है, तो 40 से 45 मिनट लगेगा यहाँ पहुँचने में, तो देखते हैं कितना समय लगता है। चिनूक ही आएगा आज भी वैसे, तो चिनूक हेलीकॉप्टर आ गया देखो आप यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आज यात्रियों के लिए नहीं है ये, आज भी आर्मी के लिए आया है, तो आज फिर से हमें जाना पड़ेगा बैक टू पवेलियन। तो अजीब सा खेल हो रहा है ये 2 दिन से, सारे लोग वापस जाएंगे अभी। तो 2 दिन से हेलीकॉप्टर देख रहे हैं दूर से, लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर जाने का मौका नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पर ये लैंड होगा और इसके बाद आर्मी वाले जाएंगे नीचे यहाँ से, यात्रियों के लिए नहीं आया ये आज, तो ये अच्छा नहीं है। पहले अगर इन्फॉर्मेशन हो तो यात्री परेशान नहीं हो इसके लिए। अभी यहाँ से फिर से जाना पड़ेगा हमें गुंजी बेस पर सामान उठाकर। तो चिनूक तो शकल दिखा के चला गया, 2 दिन हो गए रोज़ चिनूक की शकल देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, अंदर बैठने का मौका मिल नहीं रहा है। तो फिर से आ गए गुंजी बेस पर, पीछे यहाँ पर गुंजी बेस है और गाड़ियाँ रेडी हो गई है चारों, एक गाड़ी कम है वैसे, 3 गाड़ी है। तो सारे लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं ओम पर्वत के लिए, हालाँकि वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे वो पता नहीं, देखते कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ओम पर्वत तक का रास्ता, बाकी ओम पर्वत दिखा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से ओम पर्वत के लिए, तो आपको आज लेके चलते हैं ओम पर्वत। तो देखते हैं दर्शन होते हैं या नहीं पता नहीं, क्योंकि रास्ते काफ़ी टूटे फूटे थे, काफ़ी ख़राब थे, हमें बोला गया है कि दर्शन होने मुश्किल है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार रिस्क लेके जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यात्रा पर आए तो कम से कम ओम पर्वत का दर्शन होने ही चाहिए। और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं और देवाशीष, गाड़ी की छत पर, क्योंकि नीचे जगह नहीं मिली तो ऊपर बैठना पड़ा, क्योंकि गाड़ी 4 थी पहले, उसमें से 1 गाड़ी चली गई है, ड्राइवर चला गया नीचे, तो अभी 3 गाड़ी है, तो थोड़ा अरेंजमेंट किया है तो हम लोग ऊपर बैठ गए छत पर। तो चलते हैं आगे का सफ़र, आपको दिखाता हूँ मैं ओम पर्वत तक का। तो ये चेक पोस्ट है गुंजी की, यहाँ परमिट चेक होंगे, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है यहाँ से। तो आगे बढ़ रहे हैं, चेक पोस्ट पर सारे परमिट चेक हो गए, और आप नज़ारा देखो, क्या ही नज़ारा है देखो आप, ऊपर से काफ़ी बढ़िया शूट हो रहा है, तो आपको दिखाने में भी मज़ा आएगा और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। हालांकि झटके बहुत लग रहे हैं तो थोड़ी आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है, वो थोड़ा चला लेना आप।
वैसे कल हम लोग काला पानी गए थे, मैंने आपको काली माता का मंदिर बताया था, लेकिन उससे आगे रास्ता बंद था तो हम जा नहीं पाए, इसलिए आज हम जा रहे हैं यहाँ से ओम पर्वत के दर्शन के लिए नाभी डांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं, वो काला पानी से 9 किलोमीटर आगे है और पुंजी से नाभी डांग 18 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं 18 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। तो रोड की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, बोलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हवा बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, तो ऐसे हिलते 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 वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए बोला भी सही दिस जा रहा है। 10 और 15 की स्पीड पर गाड़ी चलती है यहाँ पर, इतना रास्ता ख़राब है, इसीलिए 18 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमें लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। तो अभी हम काला पानी पहुँच गए हैं, यहाँ पर काली माता का मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया था, और अभी यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, इस तरफ ये मंदिर है जो मैंने आपको बताया था। तो ये काला पानी चौकी है, यहाँ पर चेक होते हैं परमिट फिर से और फिर आगे जाने को मिलता है, और यहाँ पर ये नाग पर्वत है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देखो इसे नाग पर्वत कहते हैं। तो ये नाग पर्वत है, देखो आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो नाग के शेप में सबसे ऊपर दिख रहा है आपको ये वाला ये देखो, ये नाग पर्वत है और ये काला पानी चौकी के ऊपर ही है, बिल्कुल ये चौकी है। यहाँ पर परमिट चेक होते हैं, उसके बाद हमें यहाँ से आगे जाने देते हैं। तो यहाँ से अभी मैं इस तरफ बढ़ना आगे, और रास्ता देख लो आप कैसा है, बढ़िया एकदम, पूरे पहाड़ पर स्नो ही स्नो है, बर्फ ही बर्फ है, और पूरा एडवेंचर से भरा हुआ रास्ता है, ये रूट है पूरा नाभी डांग तक का, ओम पर्वत तक का। तो काला पानी चेक पोस्ट पर परमिट चेक हुए, अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर बर्फ़ का नज़ारा देखो आप कितना बढ़िया है। रास्ता बहुत बढ़िया है, पूरा बर्फ ही बर्फ है, आप देखो कितना बर्फ है, और ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। हम लोग ऊपर तो बैठ गए हैं लेकिन हमारी हालत ख़राब हो रही है, इतनी ठंडी हवा है बहुत ठंडी हवा है यहाँ पर, कैमरा भी पकड़ा नहीं जा रहा है, इतना ठंडा लग रहा है, और ग्लव्स पहन नहीं सकता, ग्लव्स पहनूंगा तो कैमरा ऑन ऑफ भी नहीं कर पाऊंगा, टच नहीं होता है इसके लिए फिंगर का। तो अभी आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं जन्नत, ऐसी जन्नत में आना हर किसी के किस्मत में नहीं होता है, आप देखो नज़ारा कितना बढ़िया है, स्नो ही स्नो है, हालांकि खड्डे बहुत ज़्यादा है तो संभल नहीं पा रहे। तो नीचे वहाँ पर चेक पोस्ट थी आर्मी की, देखो आप इतनी बर्फ़ के अंदर आर्मी हमारे लिए कहाँ पर रहती है, क्या क्या सहन करती है, तो आर्मी को सैल्यूट हमेशा करो, आर्मी की इज्जत किया करो, सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में महत्वपूर्ण जो अंग है हमारा वो आर्मी है। बाकी ये पहाड़ देखो आप, नज़ारे देखो, तो ये नीचे का बेस था, देखो आप इतनी बर्फ़ में हमारे सैनिक काम करते हैं हमारे लिए। ये पीछे का नज़ारा देखो, हम वहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं और चारों तरफ स्नो ही स्नो है, बर्फ ही बर्फ है, ओम पर्वत जाना इतना आसान नहीं है और ओम के दर्शन होने उससे भी दुर्लभ है, लेकिन हमें लग रहा है आज शायद हमारे पर किस्मत मेहरबान होगी और हमें ओम पर्वत के दर्शन होंगे, महादेव की मेहरबानी होगी आज हमारे पर। लैंडस्लाइड भी काफ़ी होती है यहाँ पर, ये जो आप रास्ता देख रहे हो पूरा कीचड़ वाला है, क्या देवाशीष मज़ा आ रहा है, बोले एकदम एंजॉय है, बस खाली ठंडी लग रहा है, बाकी इतना मज़ा आ रहा है ना ऊपर बैठ के आपको दिखाने का और मुझे देखने का, पूछो मत, आनंद ही आनंद। वो पीछे ऊपर जो चोटी दिख रही है आपको वो नाग पर्वत है, मैंने आपको नीचे से दिखाया था काला पानी चेक पोस्ट के वहाँ से, चोटियाँ कैसी है ऊपर वाली देखो आप, सन के नीचे जो स्टार्टिंग पॉइंट है कैसा एकदम नज़ारा है देखो आप। तो अभी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप देखिए नज़ारे, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, काफ़ी ठंडी है तो नाक मुंह सब बंद रखना पड़ता है।
अभी हम लोग यहाँ पर आकर रुक गए हैं। यहाँ से आगे रास्ता बंद है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो यहाँ से नाभीडांग लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन आगे रास्ता बंद है। तो आर्मी वालों ने बोला है कि आपको रिटर्न जाना होगा, रास्ते बंद है यहाँ पर सारे। और वैसे यहाँ से आर्मी की ट्रक नीचे की तरफ आ रही है, तो रास्ता इतना सिंगल है कि सिर्फ एक ही गाड़ी चल सकती है। तो हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स ले रहे हैं गाड़ी को। इस तरह से हम पीछे जा रहे हैं, आर्मी की गाड़ी पास कराएंगे पहले। बस ये ब्रिज है, इस ब्रिज के इस तरफ से आगे जाने के लिए मना किया है, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, रास्ता बंद है ऐसा बताया है। तो आगे रास्ता बंद है, तो हमें यहीं से नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत स्नो है, पूरा स्नो ही स्नो, देखो आप बर्फ़ ही बर्फ़ है सारा। थोड़ा सा पैदल चल के ऊपर आया हूँ मैं, जहाँ तक हो सके आपको दिखाऊँ मैं इसलिए। यहाँ पर देखो आप स्नो के बीच में कैसा दिख रहा है, एकदम कलर इसका ब्लू अलग ही दिख रहा है कुछ नज़ारा। तो यहाँ से हमें आर्मी ने आगे जाने के लिए मना कर दिया है, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, और आगे इन्होंने बोला रास्ते बंद है, तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। अगर आपको आगे जाना है तो 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है, बहुत ज़्यादा ठंडा जगह है, तो यहाँ पर चल के जाना भी बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं पैदल पैदल, वैसे रास्ता पूरा कीचड़ वाला है और बीच में बर्फ़ भी है। ओम पर्वत यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो आर्मी वालों ने बोला रास्ता ख़राब है, तो थोड़ा आगे तक आप गाड़ी लेके जाओ और फिर वहाँ से आप रिटर्न आ जाना। तो थोड़ा आगे तक जा रहे हैं और मैं ऊपर बैठ गया हूँ फिर से। ये देखो आर्मी की पोस्ट है, इतनी बर्फ़ के अंदर ये लोग रहते हैं, सैल्यूट है इनको। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी होती है। लगभग 14,000 फीट के आसपास में हैं हम। एक ही गाड़ी चल सकती है एक समय पर, तो सामने से अगर आर्मी का ट्रक आ गया तो फिर से गाड़ी रोक के साइड करनी पड़ेगी, और साइड में जगह नहीं हुई तो रिवर्स भी लेनी पड़ सकती है। तो पूरा सिंगल रास्ता है ये, एक ट्रक चल सकता है या एक गाड़ी चल सकती है यहाँ पर। ऐसे रास्ते पे गाड़ी भी चलाना बहुत मुश्किल है, ये यहाँ के ट्रेन ड्राइवर है जो यहाँ पर गाड़ी लेके चलते हैं, बाकी नॉर्मल इंसान यहाँ पर गाड़ी लेके नहीं आ सकता है इस कंडीशन में। इतना बर्फ़ मैंने पहली बार देखा है, ऐसा अद्भुत नज़ारा हर किसी को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब इतना बर्फ़ देखने को मिलता है आपको तो रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आगे रास्ता बंद है, लेकिन हमारी किस्मत और टाइमिंग ऐसा है कि हम ऐसे वक्त पे पहुँचे हैं कि पूरी बर्फ़ भी आपको दिख रही है और आपको ये रास्ता भी दिख रहा है जो थोड़ा थोड़ा खुला है। तो ये स्टॉप आ गया, यहीं पर गाड़ी खड़ी रहेगी, दो गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी है, और ये वाली गाड़ी भी यहीं पर खड़ी रहेगी, आगे जा नहीं सकते, आगे पैदल जाना पड़ता है। तो नीचे उतरते हैं और थोड़ा पैदल जाके देखते हैं। तो पैदल पैदल थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बाकी आप रास्ता देखो, पूरा बर्फ़ है रास्ते में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। तो इस तरह से देखो ये पूरा बर्फ़ है रास्ते में, उसी के ऊपर चल रहे हैं हम। बोला भी नहीं जाता है, ठंड इतनी ज़्यादा, नाक में पानी आ जाता है। तो ये पतली सी पगडंडी है, देखो आप दोनों तरफ बर्फ़ है, और सामने भी सारी बर्फ़ है दूर तक, और हमें वहाँ आगे जाना है। वहाँ पर दूर लाल झंडा दिख रहा है, लगभग यहाँ से 700-800 मीटर है। तो धीरे धीरे चलते हैं ऊपर। वैसे आर्मी वाले देखो सारा अपना सामान ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको ओम पर्वत के दर्शन करवाने की, लेकिन ये तो शिव जी की मर्जी है कि दर्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ऊपर चल रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। आज किस्मत ने साथ दिया और महादेव की मेहरबानी हुई तो दर्शन जरूर होंगे ओम पर्वत के। अरे बाप रे, दोनों हाथ का बैलेंस सही है, लेकिन एक हाथ
शूट करने में व्यस्त है तो थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। दर्शन हो जाएंगे आज? हो जाएंगे। क्या कहते हो आप? बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। कुछ यात्री नीचे रुक गए हैं जो चल नहीं सकते, कुछ यात्री आगे चले गए हैं और बाकी हम रास्ते में हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी भी लगभग आधे पहुंचे हैं तो चढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि जूते जो है वो बर्फ़ वाले नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था इतनी बर्फ़ हो जाएगी, तो सबके शूज़ जो है वो नॉर्मल स्पोर्ट्स वाले हैं। और ये जो जगह है ये पूरी स्लीपी है। देखो गिर गया था मैं, देखा आपने। तो ये होता है, एक हाथ से शूट करना है फिर बोलना भी है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। वैसे ये जो चढ़ाई है वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, लेकिन आपको दिखाना है तो ऊपर लेके जाऊंगा मैं, मैंने सोचा है। एकदम ऊपर तक जाएंगे और वहाँ से आपको ओम पर्वत के दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर है KMVN का गेस्ट हाउस, हम लोग ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर इस तरफ में व्यू पॉइंट है, वहाँ से हमें नज़ारा दिखेगा ओम पर्वत का। तो दिखाते हैं आपको आज ओम पर्वत, जो कि किस्मत वालों को दिखता है। नसीबदार हैं आप और हम जिन्हें ये नज़ारा देखने को मिलेगा। बाकी इस तरह से देखो ये घर वगैरह कैसे हैं, इतनी बर्फ़ है ऊपर। यहाँ पर बर्फ़ कितनी ऊपर तक आ गई है देखो आप। तो ऐसे में हमारे फौजी ऊपर रहते हैं, सैल्यूट है उनको, वो ऊपर हैं तब हम नीचे सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर ये प्राइवेट होटल है, देखो आप इतना ऊपर भी आपको खाने पीने के लिए मिलता है। तो आधे घंटे की मुश्किल और टफ चढ़ाई करके मैं पहुँचा हूँ ऊपर ओम पर्वत व्यू पॉइंट पर। ये नाभीडांग जगह है, यहाँ से ओम पर्वत का व्यू आता है। तो मुझे दिख गया है, काफ़ी सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओम पर्वत के दर्शन कीजिए आप। तो ये देखो, ये है सामने ओम पर्वत, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दिखा आपको, साक्षात ओम है ये, चमत्कार है भगवान का, शिव का, प्रकृति का। और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो आप, ये है ओम पर्वत, पूरा ओम बना हुआ है यहाँ पर। अभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा वाइट हो गया है, पूरा स्नो ज़्यादा है, नहीं तो और भी अच्छा दिखता है, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन जब होता है। लेकिन हम किस्मत वाले हैं कि हमें यहाँ पर ओम पर्वत के दर्शन करने को मिल रहे हैं। यहाँ से वैसे और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन यहीं से हमें ओम पर्वत के अच्छे दर्शन हो रहे हैं, तो मैं आपको यहीं से करवा रहा हूँ। ये है ओम पर्वत और ये चमत्कार है प्रकृति का। ओम नमः शिवाय। और ये नीचे का नज़ारा जहाँ से हम ऊपर आए, बिल्कुल वहाँ नीचे से हम ऊपर आए, जो आपको आगे की पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ से हम चलते चलते आए हैं इतना दूर ऊपर, और यहाँ से फिर आके हमें ओम पर्वत के दर्शन हुए। सामने जो आपको दिख रहा है ये नाभी पर्वत है, और कहते हैं यहाँ पर आपको अनेक देवताओं की छवि दिखती है, इस पर्वत में आकृति दिखती है। तो थोड़ा जूम करके देखते हैं, अगर किसी को कुछ दिख जाए तो किस्मत वाला होगा वो। तो ये ओम पर्वत है और ये नाभी पर्वत है जो मैंने आपको बताया, और अभी यहाँ से हमें जाना है नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखो प्रभु जी मग्न हो गए हैं। रचयिता नटराज राज नमो नमः। वाह प्रभु जी वाह। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज। दर्शन हो गए, बम बोले दर्शन हो गए। तो यहाँ पर ये होटल है ऊपर, यहाँ पर कुछ चाय वाय पियेंगे, थोड़ा गर्म होंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो गर्म गर्म मैगी है ठंडी में, मजेदार। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या मैगी बनाया आपने? मैगी बहुत अच्छा बनाया यार तुमने, इतना बड़ा कटोरा है देखो। तो अभी यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे,
हमने ओम पर्वत के दर्शन किए, नाभि पर्वत के दर्शन किए और उसके बाद में गर्म गर्म चाय पी और मैगी खाई। मैगी काफ़ी बढ़िया थी, मज़ा आ गया। अभी यहाँ से चलते नीचे थोड़ी देर में। तो नीचे की तरफ जा रहा था, प्रभु जी मिल गए। प्रभु जी ने जो नृत्य किया आपने देखा था, कितना शानदार नृत्य कर रहे थे। तो प्रभु जी ने बताया आपने क्या क्या देखा, तो हमने बताया हमने ओम पर्वत देखा, उसके बाद नाभि पर्वत देखा, सब कुछ देख लिया। अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो प्रभु जी ने बोला कि आपने अभी तक सब कुछ नहीं देखा, कुछ बाकी है। तो प्रभु जी क्या दिखा रहे हैं हमें, देखते हैं क्या दिखा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पर जो एक योग आकृति में, अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई महापुरुष दिव्य आकृति में उस पर्वत में बैठे हुए हैं। अच्छा, सामने वाले पर्वत में। हाँ, तो आप देख रहे होंगे प्रभु जी वहाँ पर उस स्थान में गुफा है और गुफा के ठीक ऊपर योग आकृति में एक महापुरुष दिव्य योग साधना में बैठे हैं, ऐसी आकृति हमें दिखता है। आपको भी दिख रहा होगा और आप भी अनुभव कर रहे होंगे। ये आप जो कौन सा वाला ये जो गुफा है, जो गुफा ये वाला ये, हाँ 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 ये ना ये, हाँ, 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 देखो ऐसा लग रहा है कोई, जैसे कोई बैठे है। देखो आप, नाक है, आँख है, हाँ, और नीचे गुफा है, संपूर्ण रूप से योग अच्छा। पर्वत है और इसी वजह से इसको योग पर्वत के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये यहाँ का नज़ारा है और अभी यहाँ से हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बिल्कुल आगे तक जाना है, जहाँ तक आपको एंड दिख रहा है वहाँ तक जाना है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो जगह है इसके पीछे तक हमें जाना है इस पहाड़ी के। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, इतना सौंदर्य कभी नहीं देखा मैंने, इतना अद्भुत नज़ारा, पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ और इसमें दिव्य ओम पर्वत के दर्शन। तो ये थी हमारी ओम पर्वत की यात्रा, काफ़ी अद्भुत और दिव्य नज़ारे हमें देखने को मिले इस हिमालय में, इस कैलाश की रेंज में काफ़ी बढ़िया नज़ारे दिखे और दिव्य ओम पर्वत के हमने दर्शन किए। तो अभी मुझे नीचे जाना है और मैं नीचे कैमरा स्टार्ट करके नहीं जा सकता क्योंकि स्लिप हो सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो ओम नमः शिवाय।